नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, इस बार हमारे धान की खेती करने वाले किसान भाई तना छेदक यानी कि स्टेम बोरर से काफ़ी परेशान हैं। एक तो किसान भाइयों, इस बार तना छेदक का प्रकोप ज़्यादा है, और दूसरा किसान भाइयों, तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई जिन कीटनाशकों का प्रयोग अभी तक करते हुए आ रहे थे, वह कीटनाशक भी इस बार तना छेदक को कंट्रोल करने में फेल हो रहे हैं। इसके किसान भाइयों दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो किसान भाइयों यह है कि इस बार अन्य सालों की तुलना में तापमान काफ़ी ज़्यादा है, और किसान भाइयों तापमान जब भी ज़्यादा होता है तो हमारे काफ़ी सारे कीटनाशक फेल होने लगते हैं। दूसरा किसान भाइयों, हमारे किसान भाई पिछले कुछ सालों से लगातार उन्हीं दवाओं का प्रयोग अपने खेत में करते आ रहे हैं। जब भी किसान भाइयों हम एक कीटनाशक का प्रयोग बार बार किसी फसल में करते हैं तो उसमें लगने वाले कीटों में इस कीटनाशक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से उस कीटनाशक का रिजल्ट उन कीटों पर कम हो जाता है। और किसान भाइयों, तना छेदक काफ़ी परेशान करने वाला कीट है। यह हमारी फसल की किसी भी अवस्था में आ सकता है और हमारी फसल के उत्पादन को काफ़ी कम कर सकता है। यह अगर हमारी फसल की शुरुआती अवस्था में आ जाए तो यह हमारी फसल की मुख्य गोब को काट देता है, जिस वजह से हमारी फसल की मुख्य गोब सूख जाती है, जिसको डेड हार्ट की समस्या भी कहा जाता है। वहीं किसान भाइयों, अगर यह बाली बनने की अवस्था में आए तो यह बाली को नीचे से काट देता है, जिस वजह से बाली तक पोषण नहीं पहुंच पाता और बाली सफ़ेद हो जाती है और बाली के अंदर दाने नहीं भरते। किसान भाइयों, तना छेदक हमारी फसल के उत्पादन को 5% से लेकर 30% तक कम कर सकता है। इसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे कीटनाशकों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिनका प्रयोग अगर आप अपनी फसल में करेंगे तो आपकी फसल से तना छेदक और पत्ता लपेट 100% खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पर जो कीटनाशक आता है वह काफ़ी जाना पहचाना है, वह है किसान भाइयों क्लोरेंटा निरिप्रोल, जिसको हमारे किसान भाई कोरोजन के नाम से जानते हैं। हालांकि और भी कंपनियां इसको बनाती हैं, लेकिन हमारे किसान भाई कोरोजन के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। इसकी किसान भाइयों 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर आप अपनी फसल पर इसका स्प्रे करके तना छेदक और पत्ता लपेट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसमें किसान भाइयों आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इसका प्रयोग अपने खेत में पहले किया हुआ है तो आप इसका प्रयोग न करके वीडियो में आगे बताए गए किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है किसान भाइयों कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 75% SG फॉर्म में। यह किसान भाइयों बाज़ार में धानुका कंपनी के मोर्टार नाम से काफ़ी फेमस है। इसकी किसान भाइयों आपको 170 ग्राम से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर अपने खेत में स्प्रे करना है। ऐसा करने से आपकी फसल में पत्ता लपेट, तना छेदक और भी काफ़ी सारे कीटों से आपकी फसल को निजात मिलेगी। तीसरे नंबर पर आता है किसान भाइयों फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में। यह किसान भाइयों बाज़ार में बायर कंपनी के जंप के नाम से काफ़ी मशहूर है। यह किसान भाइयों पारस कंपनी के जंबो के नाम से। इसकी किसान भाइयों आपको 25 से 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर अपनी फसल पर स्प्रे करना होगा। चौथे नंबर पर आता है किसान भाइयों फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में, जो बाज़ार में लिक्विड रिजेंट के नाम से काफ़ी मशहूर है। इसकी आपको प्रति एकड़ के लिए 500 ml की मात्रा लेनी होगी। किसान भाइयों अगर आप इसका और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसके साथ आप 250 ग्राम कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फॉर्म में जो आता है वह इसके साथ मिला सकते हैं, जिससे इसका रिजल्ट और भी अच्छा हो जाता है। पाँचवें नंबर पर जो कीटनाशक आता है वह है किसान भाइयों फ्लूबेंडामाइड 20% WG फॉर्म में। यह किसान भाइयों बाज़ार में टाटा कंपनी का टाकुमी के नाम से, इफ़को कंपनी का टाकीवी के नाम से और PI कंपनी का प्लूटोन के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी किसान भाइयों आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे यह आपकी फसल को काफ़ी सारे कीटों से बचाती है। छठे नंबर पर जो किसान भाइयों कीटनाशक आता है वह है फ्लूबेंडामाइड 39.35% SC फॉर्म में। किसान भाइयों यह बाज़ार में बायर कंपनी के फेम और गोदरेज कंपनी के ओरिजोन के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी किसान भाइयों आप 35 से 50 ml
प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। यह भी आपकी फसल को काफ़ी सारे कीटों से बचाता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको 6 कीटनाशक बताए गए हैं। इनमें से आप अपने बजट के अनुसार और कीटनाशक की उपलब्धता के अनुसार इनमें से किसी एक का प्रयोग करके आप अपनी फसल को तना छेदक और पत्ता लपेट और भी काफ़ी सारे कीटों से बचा सकते हैं।